Subscribe to our channel and press bell icon for latest tech updates. हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। मैंने सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाया है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा हॉलीवुड फिल्म्स में कि एक CIA ऑफिसर लैपटॉप को या कंप्यूटर्स को अनलॉक करने के लिए एक USB पेन ड्राइव को इंसर्ट करता है, यानी कि जब तक वो USB पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं करेगा तब तक जो जो PC है अनलॉक ही रहेगा, वो कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। यार हम कब तक वही पुराने वाला मेथड यानी कि पासवर्ड एंटर करने वाला मेथड यूज करेंगे अपने PC को अनलॉक करने के लिए। जरा सोचिए, अगर आप अपने PC को लॉक या अनलॉक करते हैं एक USB पेन ड्राइव से तो कैसा रहेगा? जी हाँ, ये ना सिर्फ आपके PC को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देगा बल्कि आपको एक प्रो हैकर जैसा लुक भी देगा। तो दोस्तों इसे यूज करने के लिए आपको चाहिए होता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रीडेटर। एक बार आपने इसे सेटअप कर लिया फिर आप अपने PC या लैपटॉप को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं एक पेन ड्राइव से। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके PC को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसके स्क्रीन पर हॉलीवुड स्टाइल में एक फ्लैश होगा एक्सेस डिनाइड बोल के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप प्रीडेटर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जस्ट 2 या 3 MB का है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा ये फोल्डर और इस फोल्डर में आपको क्लिक करना होगा इसे प्रीडेटर पैकेज से। डबल क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, सिर्फ नेक्स्ट 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 और इसे यस पे क्लिक कीजिए। हमारा प्रीडेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल हो चुका। जस्ट इसे आप क्लोज कीजिए, आपका प्रीडेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए आ गया यहाँ पर। अब इसे जस्ट डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये देखिए आपको इसे इंसर्ट करना है, आपके पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है एक्चुअली। आपको इसे सेटअप करना होता है यानी कि आपको पहले एक की देनी होती है। एक्चुअली मैंने इससे पहले इंस्टॉल किया था इसलिए मेरा पुराना वाला की ही वो एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं तो आपको एक्चुअली एक पासवर्ड सेट करना होता है। वो पासवर्ड सेट करने के बाद वो आपका जो पेन ड्राइव है उसे ले लेगा। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक पेन ड्राइव इंसर्ट किया हुआ है, जैसे ही मैं इसे रिमूव करूँगा यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, ये रिमूव करके मैंने अब रिमूव कर दिया है। और एक बात, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो पेन ड्राइव में जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा या अल्टर हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका पेन ड्राइव से कुछ आपको पेन ड्राइव को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला। ये जस्ट काम करेगा लॉक या अनलॉक करने में। ठीक है, मैंने इसे इंसर्ट मैंने इसे इंसर्ट किया था, मैंने इसे निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा, ये देखिए ब्लैक स्क्रीन आ गया है। ठीक है, पूरा टोटल ब्लैक स्क्रीन आ जाए, मैं इसे अब कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर मुझे फिर से उसे ऑपरेट करना है तो जो मैंने पेन ड्राइव निकाला था उसे मुझे फिर से इंसर्ट करना होगा। मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। एक मिनट, इससे पहले अगर आप बताता हूँ कि दूसरा कोई यूजर इसे यूज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। ठीक है,
ये देखिए, जब दूसरा मैंने क्लिक किया था रैंडमली, तो ये मैसेज आ गया, वार्निंग मैसेज, दिस कंप्यूटर इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रीडेटर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इंट्रूजन अटेम्प्ट्स विल बी रिपोर्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब मैं जो जो यहाँ पे कोशिश करूंगा उसे अनलॉक करने की, वो पूरे अटेम्प्ट्स एक्टिविटी लॉग में दिखाई देंगे। अभी पासवर्ड एंटर पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड मैसेज आ रहा है अगर मैं कुछ कोशिश करता हूँ तो। मुझे इसे फिर अनलॉक करने के लिए मेरा जो पेन ड्राइव है इसे इंसर्ट करना होता है। मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये लीजिए, मैंने इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, जैसे मैंने इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे प्रायोरिटी लॉग एक्टिविटी लॉग आ गया। मतलब यहाँ पे डिटेल ईच एंड एवरी टास्क विच इज परफॉर्म बाई पर्सन एन अननोन पर्सन विल बी शोन हियर। यहाँ पर देख सकते हैं 7:28, 7:28, 7:27, 7:26, 7:26। मतलब जो जो ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड जो जो टास्क हुआ था वो सब यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था, आप इसे किस तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कंपलसरी इसे यूज करना है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा फीचर मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपके पीसी को यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप इसे चाहते हैं कि आप उसे जस्ट पॉज करना चाहते हैं इस मॉनिटरिंग को, तो यहाँ पे बता रहा है टास्क बार में, यहाँ पे प्रीडेटर एक्सेस, यहाँ पे इसे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बताएगा प्रेफरेंस शेड्यूल इवेंट्स लॉग अबाउट प्रीडेटर। आप इसे पॉज मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, मैंने इसे पॉज कर दिया। ये देखिए बता रहा है मॉनिटरिंग इज ऑफ। फिर से आप उसे रिज्यूम करना है तो इस आइकॉन पे जाइए, इस आइकॉन पे जाइए, यहाँ पे इसे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे रिज्यूम मॉनिटरिंग आएगा। नहीं, अगर आप इसे एग्जिट करना चाहते हैं, आप इसे चाहिए ही नहीं आप, तो इसे एग्जिट पे क्लिक कीजिए, ये जो है चला जाएगा वहां से। ये देखिए आपके पे कुछ नहीं है जस्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप जान गए होंगे कि आपको किस तरह इसे यूज करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा मैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।